अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अंजुम आरा, एम आई फातिमा ट्यूटोरियल में आप सभी का वेलकम। तो दोस्तों देखिए, आज मैं आपके लिए ये लेस लेकर आई हूँ, जो आप तकिया में और चादर में मेजपोश में इसे किनारे में लगा सकते हैं। और मैं कभी इसका भी वीडियो बनाऊंगी जो मैं आपको लगाकर दिखाऊंगी। तो इसे आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इसे देख लीजिए ध्यान से, इसके लिए हम एक क्रोशिया लिया है जो 5 नंबर है, और ये देख लीजिए, ये मैंने 2 प्लाई का लिया है। और इसे हम शुरू करते हैं। इसके लिए हम ऐसे 10 चैन लेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम 3 बनाएंगे, फिर 2 चैन लेंगे और यहाँ पे 2 बनाएंगे एक ही में। देखिए, फिर हम 2 चैन लेंगे और इसमें हम एक बार इस तरह से लेंगे और फिर 2 चैन लेकर इसमें इस तरह से लेंगे। फिर हम इसे ऐसे पलट देंगे और 3 चैन लेंगे और इसी में हम देखिए 1 2 3 4 5 6, हमको ऊपर में 6 बनाना है लेकिन इसके नीचे हम ये 7 बनाएंगे, ताकि एक इधर उधर हो जाता है। और फिर हम 2 चैन लेंगे और इसमें इस तरह से बनाएंगे, फिर हम 2 चैन लेंगे और इसमें हम इसे 3 बनाएंगे, लेकिन तीनों पर अलग अलग ही लेंगे इसे, क्योंकि दोस्तों ये सिलाई में जाता है। इसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे जो मैं तकिया में लगा कर आपको दिखाएंगे। फिर हम 3 चैन लेंगे पलट के और इसमें इस तरह से देखिए, और इसमें से इस तरह से, और फिर इसमें से इस तरह से। फिर हम 2 चैन लेंगे और फिर इसमें हम 2 बार बनाएंगे, लेकिन ये एक ही में बनेगा। देखिए, फिर 2 चैन लेंगे और ये देखिए एकदम टाइट करिएगा इस तरह से, और बहुत छोटा लीजिएगा। 2 चैन लेकर इसमें इसी तरह से हम 6 बनाएंगे, फिर 2 चैन लेकर देखिए 1 2 3 4 5, फिर 2 चैन लेकर हम इसी में बनाएंगे। देखिए 6 हो गया, इसमें भी 6 है। अब तो देखिए हम इस तरह से पलट देंगे और 1 चैन लेकर इसे बगैर फंदा के इस तरह से गिरा देंगे
और इस तरह से इसमें हम तीन बार मारेंगे फंदा। और इस बार देखिए बगैर फंदे के इस तरह से कर देंगे, फिर बगैर फंदे के इस तरह से, फिर इसमें तीन बार मारेंगे। और फिर बगैर फंदे के ऐसे कर देंगे। इसी तरह हम सब देखिए दोस्तों इस तरह से बन गया। देखिए ये डिजाइन कंप्लीट हो गया। फिर हम दो चैन लेकर इसमें इस तरह से कर देंगे। फिर दो चैन लेकर इसे हम अलग अलग मारेंगे। देखिए तो दोस्तों ये बन गया। और हम ये दूसरा कैसे शुरू करते हैं ये भी आपको बता दे रहे हैं। फिर हम दो चैन लेंगे और इस तरह से तीन बना लेंगे। और दो चैन लेकर इस तरह से दोनों में हम एक ही बार मारेंगे। और फिर दो चैन लेकर हम यहाँ पे दूसरा डिजाइन चालू करेंगे, शुरू करेंगे। देखिए फिर दो चैन लेकर इसी में इस तरह से बनाएंगे। और फिर इस तरह से पलट कर ये वाला भाग हम सात बार इसको बनाएंगे इस तरह से। तो देखिए दोस्तों ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, मेरा बनाने का तरीका कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे लाइक करें और कमेंट के ज़रिए बताएं कि मेरा ये डिज़ाइन कैसा लगा, बनाने का तरीका कैसा लगा। और जो भी हो आप मुझे कमेंट के ज़रिए बताएं।